12 साल की उम्र से लगाऊंगा अपने वालिद साहब के साथ, ये मेरे वालिद ने सिखाया था। ये दुकान किसकी है? ये तो दुकान किराएदारी पे है। पहले आपके वालिद साहब यहीं पे काम करते थे? हाँ, मेरे वालिद साहब भी काम करते थे, मेरे दादा भी काम करते थे। अपने काम ये दुकान आपके दादा के टाइम से? हाँ, दादा के टाइम से ये मेरी। और ये काम भी इसी से टाइम से, ये 100 साल से भी ऊपर से काम चलता हुआ। तो पहले कुछ काम अलग था या अभी चेंज हुआ है? नहीं नहीं चेंज नहीं हुआ, यही काम होता हुआ रही है दुकान में। कितनी दुकानें हैं आसपास में जो ये काम? बस ये एक ही दुकान रह गई है, एक दुकान और थी, दो दुकानें थी, एक दुकान और थी, वो छोड़ चुके हैं काम। ये काम रेती का है, फर्नीचर बोलते हैं, फर्नीचर रेती है। ये चांदी घिसने के काम में आती है, हड्डी घिसने के काम में आती है, लोहा घिसने का काम में आती है। तो आप जो बना के देते हैं वो सुनार के पास जाती है? हमसे सुनार भी खरीदते हैं जी, दुकानदार भी खरीदते हैं बेचने के लिए, ये हर जगह जाती है हमारी। तो आप जो है वो मार्केट के लिए बना के देते हैं या ऑर्डर पे बनाते हैं? ऑर्डर पे भी बनाते हैं, हमारे पास मजदूरी का भी काम आता है, ऑर्डर पे भी बनाते हैं, जैसा काम आता है वैसे ही करते हैं। ये काम हमारे पास आता है ऑलरेडी। तो ऐसा कभी सोचा कि कुछ और काम करें या फिर? नहीं नहीं, काम तो है, जब काम चल गया तो और क्या काम करेंगे, जब यही काम आता तो यही करेंगे। आगे आपके बाद फिर ये काम कौन आगे बढ़ाएगा? भाई देखो, अब पता नहीं कौन बढ़ाएगा, क्या पता हमारे से ही खत्म हो जाएगा। आपके भाई बंधु कोई और नहीं? भाई हैं मेरे, बाकी उनके बच्चे हैं, बाकी जो है वो काम नहीं सीखेगा, ये ना वो करते काम, मेरे भाई भाई के बच्चे हैं, बाकी ये काम नहीं सीखा। भाइयों ने भी नहीं सीखा? नहीं, भाइयों भाइयों ने किसी ने नहीं सीखा। वो लोग क्या काम करते? वो अलग अलग काम करते हैं, मजदूरियाँ ही करते हैं वो भी अलग अलग, कोई मुर्गे के काम में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, अलग अलग हैं सब। तो अब्बा दादा के जो काम है वो आप ही ने आगे? नहीं सीखा हम, हमारे पास कई तरह की रेतियाँ बन आती है, डॉक्टरी लाइन की भी आती है, फर्नीचर के भी काम आती है, बहुत काम में आती है रेती, ये अलग कलर। कैसे करते हैं थोड़ा सा बताइए क्या होता है? ये जो है लोहा हमने गर्म कर रखा है, ये लोहा सबसे पहले ये चीज क्या होती है, कहाँ से आती है, इसकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म क्या होती है? ये हम लोहा जो है पुराना खरीदते हैं, फिर इसको बनाते हैं। लोहा कहाँ से? लोहार से लेते हैं? लोहार से लेते हैं लोहा, फिर लोहार से रहती है। पुराना लोहे का हमें टुकड़ा दिखाइए। ये इस कंडीशन में होती है। अच्छा, और एक रेती इस कंडीशन में आती है, ये कंडीशन में होती है रेतियाँ, हम इसको जो है इस तरह से कर देते हैं, ये साफ सुथरी करके मोटर पे इसको साफ सुथरी करके, ये पुरानी रेती है ना, हमने ये अब घीस दी है रेती पुरानी को, ये घीस दी, अब हम जो है इसको नई करके चमका के फिर इसको नरम करते हैं, लोहे के भट्टी के अंदर नरम करने के बाद फिर हम इसको टकते हैं, फिर नई कर देते हैं हम इसको। ये नहीं लगता है पुरानी रेती को नई करने के लिए? नई रेती को इसमें लग जाता है 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं एक रेती बनाने में। हाँ, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो क्या पैसा लेते हैं आप एक इसके? एक रेती का अलग अलग है, ये जैसे ये रेती है मेरे पास छोटी, ये 100 रुपए की है। अच्छा, अब जैसे ये रेती है, ये हमने टक रखी है, ये 150 रुपए की है, ये 250 रुपए की है, सब में महंगी रेती। तो ये किस लिए महंगी है? क्योंकि इस पे ये बड़ी भी है इसलिए महंगी है, ये 250 रुपये। ये फर्नीचर पे चलती है, लकड़ी वगैरह के दरवाजे बना लो, पटरे वटरे बनती है, चौकियाँ बनती हैं मशीनों की, उसके काम में आता है ये नई वैरायटी है, ये 170 रुपये की है, ये फर्नीचर की है। अच्छा, ये हम कच्चा लोहा लेते हैं पुराना, उसको नई करते हैं। इसमें क्या क्या काम, पूरी प्रोसेस बताइएगा, क्या इसको आपने पुराना लोहे का टुकड़ा लिया, फिर क्या किया इस पर? इस पर पुराना लोहे का रेती लेते हम पुरानी, उसको मोटर पे घिसते हैं। मोटर पे मोटर होती है गलंडर, उस पर घिसते हैं, इसको साफ कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, साफ करने के बाद जो है फिर इसको भट्टी पे रखना पड़ता है, फिर हम अपने हिसाब से उसको लाल कर दें, हल्का और तेज हो जाएगा तो ये लगेगा नहीं, हल्का लाल करना पड़ता है इसको, फिर हम इस पर टकाई करते हैं। तो ये क्या चीज़ लगाई इसके ऊपर, कैसे किया ये टकाई? ये टकाई इस पर होती है, जैसे हमने रंगा बता दिया, ये डले बना रखे हमने जी, ये प्लेन करके अब हम इसको बता देते हैं रेती इसके अंदर, डला बना के फिर टकना चालू कर देता हम, ये कल में लेते हैं, अली कल में, और ये हथौड़ी लेते हैं, फिर लगाना चालू कर देते हैं।
ये तकलीफें आ जाती है अभी। ये कंप्लीट होने के बाद जो है टकने के बाद हम इसको लाल करते हैं, फिर दोबारा लाल करने के बाद फिर भट्टी पे बुझा देते हैं यूं करके पानी के अंदर। ये ऑलरेडी हार्डनेस आ जाती है इसके, फिर ये ऐसे शेप में आ जाती है काली। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको अगर लगाने में 1 घंटा लगता है, दोनों तरफ से लगाने में 1 घंटा पूरा इसको भट्टी में रखने के लिए। हाँ, सब अभी ये जो बनती है ना, ये इस तरह से बनती है। जैसे हमने ये गोला ले लिया, अब जैसे ये गोला है, ये हमने तपा रखा है, नरम है ये। अच्छा। अब हम इसको जो है ना चमकाएंगे भी ना, ये प्लेन पर रखा हमने, तपा रखा है जी। अब जैसे तपाएंगे ना, ये पकड़ा हमने, ये डला पकड़ने के बाद इसको इस तरह से फसा लेते हम। जैसे ये फसा लिया इसके अंदर, ये फसा लिया, ये जैसे हमारी कलमा बनी हुई है, ये कलमों पे हम रिश्ता लगा लेते हैं। ये रिश्ता लगाने के बाद ये हमारा जो है ये तख्ता है, ये हमने पैरों से फंसा लेते हैं। अब ये तख्ता हुआ चले जा रहा है। एक दिन में कितनी रेतियाँ बना लेते हैं आप? एक दिन में ये 12-13 रेतियाँ बन जाती हैं। 12-13 रुपया लगता है। कभी चली आती भी है, काम पे भी बात होती है, हल्का भी होता है काम, तेज भी होता है, नरम भी रहता है, कभी तेजी भी होती है काम में, अलग अलग तरह से होता है। लेकिन ये ऑलरेडी चलता ही है माशाल्लाह से हमारा काम। ये काम हमारे पास हल्का फुल्का रहता ही है, क्योंकि आज के जमाने में कम हुआ है कि बड़ा है? सही है, बस ना बड़ा है ना घटा। लेकिन इस रेती की जो है ना कीमत ज्यादा है, लेकिन जो है ये आती है काम में, हर चीज में काम में आती है। बहुत से कहते हैं रेतियाँ काम में नहीं आती, रेतियाँ आती हैं। ये डॉक्टरी लाइन में भी काम में आती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है उसके भी काम में आती हैं, उसमें भी चलाते हैं रेतियाँ। सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है? इस्तेमाल सब में ज्यादा फर्नीचर वाले करते हैं, लकड़ी वाले, जो लकड़ी वगैरह बनाते हैं, दरवाजे वरवाजे बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं सब में ज्यादा, उन्हीं के काम में ज्यादा आती है। क्या मुश्किलें आती हैं आपको काम में? कुछ भी नहीं, हमारे को तो आदत है काम करने की, आदत है। लेकिन शुरू से आदत, मुश्किल मुश्किल नहीं है कोई। आदमी मुश्किल को देखेगा तो काम नहीं कर पाएगा। अगर जैसे मैं सीखना चाहूँ तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहले तो उसको देखना पड़ेगा, इस काम को समझना पड़ेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। जब समझेगा फिर उसके बाद हल्का हल्का काम बताएंगे हम, इस तरह से करना, इस तरह से करना, फिर उस तरह से वो उस पर बात है। 2 महीने में सीखे, 4 महीने में सीखे, 5 महीने में दिमाग पे ये बात होती है। आपने 12 साल की उम्र में कितना टाइम लगाया था सीखने के लिए? पहली रेती कितने साल की उम्र में बनाई थी? मैंने भाई मेरे को कम से कम 1 साल बाद हमारे वालिद साहब ने स्टार्ट कर दिया था मेरे को। आज इस लाइन में 20 साल हो गए काम करते हुए। आपने जब तो हम दो जने थे, मेरे वालिद थे, मैं था, वालिद भी है। अब हमने किया भी, हमारे भाई नहीं सीखना चाह रहा है, भाई कोई इतनी मेहनत करता नहीं आजकल, नहीं सीख रहा, तो हमने क्या, ठीक है हम ही कर रहा है। अब आगे जैसे आपने कहा कि मेहनत ज्यादा होती है इसमें, तो हर आदमी कभी परेशानी नहीं हुई अपने वालिद साहब के साथ? यूँ हमें परेशानी नहीं है ना, हमें परेशानी होती है काम करने, आदत पड़ चुकी है हमें। ये तो हल्का फुल्का काम है, बस इशारा देना होता है, पेड़ से पकड़नी होती है, पेड़ से उठानी होती है, हथौड़ी चलानी होती है, खुम्बा पकड़ना होता है, बस छेनी पकड़नी होती है, हल्का काम होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं तुम्हें बता दिया कहूँ, ये पकड़ा खुम्बा और ये पकड़ी छेनी, ये लगा दिया, अब चोट लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हथौड़ी चिकनी नहीं पड़ेगी तो पिसलेगी नहीं, समझ रहे हो? जब हथौड़ी चिकनी हो जाएगी, चिकनी होने के बाद जो हथौड़ी पिसलेगी वो भी आगे आगे रुक जाएगी, इशारे से रुकती है हथौड़ी भी, इशारे से चलती है हथौड़ी। अब ये चल रही नहीं हथौड़ी, इशारे से चल रही है हथौड़ी। तो एक रेसिपी बनाने के लिए आपको हथौड़ी चाहिए, ये नीचे वाला, ये हथौड़ी चाहिए। इसको लगाए बिना जो है लगा नहीं सकते, ये इससे दादा खराब हो जाएगा। अब जैसे हमने ये टका नीचे का हिस्सा, ये टक दिया, ये टका हुआ, अब हम इसको इस पर रखेंगे, अब हम इस पर रख के मारेंगे ना तो ये दादा बैठ जाएगा इसका, ये रंगा है, ये रंगे में खराब नहीं होगा। ये किस चीज़ का बना हुआ? ये रंगा होता है नहीं, ये उसका है, ये क्या नाम है जो सान वगैरह में आता है रंगा, ये वो है, ये नरम वाला रंगा।
दो तीन चीजें आपको चाहिए होती है रेती बनाने के लिए, एक हथौड़ी है, हाँ, एक वो छेनी जिससे ये सुम्बा है, एक हथौड़ी है, हाँ, और एक ये रांगा है, ये तीन चीजें चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए, हाँ, रेती बना सकते हैं, हाँ, और इसके अलावा भट्टी चाहिए, भट्टी चाहिए जिसमें उसको सॉफ्ट करेगा, हाँ हाँ। ये दुकान आपके यहाँ कब से? ये 100 साल से पहले की दुकान है हमारे पास, 100 साल तो समझ लो है ही है, जो 100 साल से पहले की दुकान है। कोई आपके काम में कोई चेंज नहीं आया? जैसे चेंज नहीं है, वैसे ही है, काम भी उतना ही मतलब उतना ही मिलता काम में। इस काम को आप आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कुछ और? बढ़ता हुआ हल्का फुल्का बढ़ जाता, कभी घटिया का। आपके अलावा कोई और नहीं है काम करने वाला? किसी को रेती बनवानी हो तो कहाँ जाए? यहीं पर ही आता ज्यादातर, दिल्ली वाला। दुकान बंद हो, हाँ, कभी तबीयत खराब हो, आप कहीं बाहर गए हो तो क्या करेंगे? तो जब वो मजबूरी में कहीं और से मार्केट वगैरह से ले ले, वो ले ले, वो मार्केट की होती है कंपनी की रेतियाँ, वो कंपनी की रेतियाँ इतना काम नहीं करती है। कंपनी की रेती का क्या रेट है? कंपनी की रेती 200-250-300-500 हजार की है, लेकिन हमसे ज्यादा महंगी है, लेकिन वो लोहे लोहे के काम के लिए, हड्डी वगैरह फर्नीचर वगैरह में वो हल्का काम करती है, समझ रही है? वो काम ज़्यादा नहीं करती इस मुकाबले में, उसके पास ये वेराइटी है, वो टूटती नहीं है, ये हम टेम्पर जब देंगे, हम यूँ मारेंगे तो हमारे रेती के 2 टुकड़े हो जाएंगे, हम पानी का टेम्पर देते हैं, हमारे हार्डनेस ज़्यादा होती है, रेती हमारे ज़्यादा काम करती है, तो फिर ये टूट जाएगी। ये जब हम इसको टेम्पर देंगे ना टकने के बाद, जब हम इसको लाल करके बुझाएंगे, जब हमारी गिर जाएगी ना तो 2 टुकड़े हो जाएंगे रेती। आदमी को मालूम होता है जो हमारी रेती चलाता है वो ध्यान से चलाता है, आराम से सालों बरसों चलती रहती है उसके बाद रेती, मतलब इस तरह से। सबसे सस्ती वाली रेती कौन सी? सबसे सस्ती वाली रेती तो यही है, ये कितने? ये 70 रुपए की रेती है, सब में सस्ती रेती। ये किस काम की है? ये जो है चांदी पे चला लो, अल्मोनियम पे चला लो, हल्के फुल्के काम पे चला लो, ये सब में सस्ती रहती है 70 रुपए की। आप देती होगी थोड़ी सी हमको रेंज बताइए क्या क्या कैसी कैसी है? ये 70 रुपए की है, ये 120 रुपए की है, और ये 200 रुपए का, और एक इसमें की बड़ी वाली रहती है वो 250 रुपए की। सब में महंगी रहती जो है वो बड़ी वाली 12 इंच की 250 रुपए की। तो ये जल्दी बन जाती है जो 170 रुपए की है? बनती वही है, सस्ती मंदी और देर की बात नहीं है, देर वेर नहीं लगती, टाइम उतना ही लगता है, लेकिन जो है बस काम की बात है, काम हमारे हाथ पे जो ज़्यादा होता है ना वो ये रहता है, हम इसका बहुत कमी से काम करते हैं, ये ऑलरेडी बना के रख लेते हैं हम स्टॉक के हिसाब से, फिर स्टॉक के हिसाब से बनाते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है जब बनाते हैं हम, ये हमारे पास ऑलरेडी रहता है, ये काम ये हमेशा रहता है, ये बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, थोड़ा ये ज्यादा बिकती है, हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये है, 70 रुपए वाली, हाँ, और सबसे कम सब में कम ये जो ग्राहक लेता है मार्केटों में, दुकानदार ले लेते हैं, अगर स्टॉक में रखी हुई उनके पास माल नहीं बिकता तो वो हमसे माल लेंगे नहीं, जब वो आगे माल बढ़ेगा तो जब तो वो हमसे लेंगे, लेकिन हमारे पास 12 महीने ये काम रहता है। स्टील का ही है, वो नरम करके लाते हैं, हमें टकाई करनी होती है बस, ये मोटर में फिट होगी, ये मोटर में फिट होगी, ये चकरी कर दी इसको, ये यूं चलेगी, समझ गई? ये यहाँ से आपकी मार्केट जो है वो कौन सी है? चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार भी है, और क्या नाम है, कीर्ति नगर है, बरेली है, सब जगह माल जाता है हमारा, दिल्ली में जो है ज्यादातर हमारा ही माल जाता है। पूरी दिल्ली में आप ही अकेले बनाते हैं? हाँ, मैं ही हूँ अकेला, यहाँ बनाने वाले तो बहुत है अलीगढ़ से भी, लेकिन जो दिल्ली की रेती इस्तेमाल करता है वो कहीं से नहीं खरीद।